हक मंगने पिंदे नहीं मिलता, हक की खातिर लड़ना पौंदे। हक मंगने पिंदे नहीं मिलता, हक की खातिर लड़ना पौंदे। साकू है तारीख दसे दी, जीवन कीते मरना पौंदे। मीर हजार खान नाम है कुर्बानी का, मीर हजार खान नाम है क़यादत का, नाम मीर हजार खान नाम है तालीम का। एक ऐसा खिता है जिसने अव्वल पहल की और चारों तरफ रोशनी इल्म की रोशनी बखेरी। वो तारीख दोहरा रहे थे, एक 2.5 साल का बच्चा कंधे पे बैठकर जब जाता है वारियाना स्कूल में, मैंने हदीस पढ़ी के आमाल का दारोमदार नियतों पर होता है, जो काम अखलास से किया जाए उसके नतायज अल्हम्दुलिल्लाह आगे तक बेहतरीन रहते हैं। उसका नाम है नामी सरदार मोहम्मद इकबाल खान साहब का, और रोज जाते हैं, सरदार खान साहब का पैगाम मिलता है कि मेरा नवासा जो आया है स्कूल लेने के लिए आया। उस वक्त ऑफिसर जो थे बाख्तियार हुआ करते थे, उन्होंने उन्हें स्कूल इनाट कर दिया। 1950 में ये प्राइमरी स्कूल बना और 1964 में ये हाई स्कूल बना और 1964 में ये मिडिल स्कूल बना और 1976 में ये हाई स्कूल बना। ये भी बताता चलूं कि ये इसी बुनियाद पर चला, पूरे पंजाब में ये एक वाहिद मिसाल है कि रकबा की बुनियाद पर ये स्कूल इनाट हुआ। 25 बीघे रकबा देने वाली शख्सियत, इल्म दोस्त शख्सियत, जिसके 2.5 साल की उम्र में जिन्होंने प्राइमरी स्कूल मांगा और आखिर में ये 1976 में हाई स्कूल बना। और जब उनका MBA का दौर था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं क्या कहूँ, मैंने तो 3 जनरेशनें देखी हैं। अल्लाह ताला, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, इकबाल खान साहब के लिए हम सफ़र रहे और सरदार चुनू खान पर भी हमारी शफकत रही, और मेरे दाएं तरफ दिल की जाने बैठे हैं सरदार खुर्रम खान सुहैल से, मैं दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला इनको अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इस इलाका में अपनी पूरी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। ये इकबाल खान साहब का नाम है एक सिदाकत का, एक शराफत का, एक इल्म दोस्त हस्ती का नाम है। उन्होंने गरीबों पर जो गुरबा परवरी की सारे काम किए, लेकिन अजल ने उन्हें मोहलत ना दी, वो हायर सेकेंडरी स्कूल ना बनवा सके। और इसके बाद आने वाला ज़माना सियासी इख्तलाफात की वजह से वो हायर सेकेंडरी स्कूल ना बन सका। आज किसी हवाले से थोड़ी एक की शक्ल देखने में आई है, मैं अर्ज करता चलूँ, ये असातिज़ा कराम हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, बड़े तजर्बाकार हैं, कुछ मेरी दुआएं भी हैं इनसे, कुछ तहफ़ुज़ात भी हैं, कुछ तवक्कोआत भी हैं। तवक्कोआत ये हैं कि इलाका की यह तिशनकी को दूर करेंगे, और तहफ़ुज़ात ये हैं कि सारे लोग जो अपने अपने इदारों को चला रहे हैं, कोई अपने इदारों में बैठे रहेंगे तो ये इदारा फिर ये नाकाम हो जाएगा। मैं इनसे 10 दफ़ा करूँगा कि जितना आप अपने इदारों को, ज़ाती इदारों को टाइम दे रहे हैं, उससे बढ़कर इसको टाइम देंगे। ये आपके लिए एक चैलेंज भी है और एक खिदमत भी है। आखिर में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। इकबाल खान साहब के लिए गज़ल के दो, नज़म के दो शेर हैं, जर्द पत्ते जो हवाओं में रवा मिलते हैं, जर्द पत्ते जो हवाओं में रवा मिलते हैं, खाक हो जाते हैं शाखों से कहाँ मिलते हैं। यूँ तो हर आन मेरे गिरद है चेहरों का हुजूम, यूँ तो हर आन मेरे गिरद है चेहरों का हुजूम, ऐसे इंसान जो मुखलिस हूँ कहाँ मिलते हैं। वक्त के साथ बदल जाती हैं राहें गर्चे, फिर भी गुजरे हुए लोगों के निशान मिलते हैं। जर्द पत्ते जो हवाओं में रवा मिलते हैं, खाक हो जाते हैं शाखों से कहाँ मिलते हैं।